हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे स्ट्रीट स्टाइल देसी नूडल्स विद स्पेशल सॉस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून रफली चॉप गार्लिक डालेंगे और इसको सौते करेंगे। इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो देखिए, ये सौते हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 इंच जिंजर डालेंगे। इसको हम जूल में कट करेंगे और इसको भी सौते कर लेंगे। अब इसमें 2 ग्रीन चिली स्लिट करके डालेंगे और इसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। अब इसमें हम 2 फाइनली चॉप किए हुए अनियंस ऐड करेंगे और इसको भी चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप ग्रीन अनियन रफली चॉप करके डालेंगे और इसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना है। अब इसमें हम वेजीज ऐड करेंगे। तो 1/2 कप कैरेट लंबा लंबा काट के डालेंगे, 1/2 कप कैप्सिकम डालेंगे डाइसेस में कटा हुआ, 1/4 कप रेड बेल पेपर और 1 कप कैबेज डालेंगे। इन सभी वेजेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। इसको थोड़ा सा क्रंची रहने तक कुक करेंगे। अब हम इसमें बॉयल्ड नूडल ऐड करेंगे। और इसके लिए अब हम एक स्पेशल सॉस रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम 1 बाउल में 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस स्पेशल सॉस को हम नूडल्स में ऐड करेंगे। तो देखिए, इसको हमने नूडल्स में ऐड कर दिया है और अब सभी वेजेस और नूडल को सॉस के साथ अच्छे से टॉस कर लेंगे। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हमारी नूडल्स बनकर रेडी हैं। इसको अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड।